आज मैं आपको बताऊंगा कि जैकेट में चेन किस तरह से लगाते हैं। ये हमारे सामने एक जैकेट है, इसकी जो पुरानी चेन थी वो खराब थी, वो हमने पहले से ही उधेड़ ली। इसमें से प्रॉपर एक एक धागा साफ कर लेना है ताकि चेन में ना फंसे। उसके बाद हमें ये चेन लगाएंगे, इसमें चेन की पैमाइश कर लेंगे नीचे से मिला के इस तरह से, बिल्कुल हल्के हाथ से खींचे ना बिल्कुल इसको। इस तरह से यहां तक हमारी चैन आ रही है, ये निशान लगा लेंगे दोनों तरफ इस तरह से, और इसको लगाएंगे थोड़ा थोड़ा कट लगा लेते हैं दोनों तरफ, इसको उतार लगे अलग अलग कर लेंगे दोनों पीस को इस तरह से। इतना कपड़े को मोड़ के और इस कपड़े को यहां से टच करना है, बिल्कुल साथ साथ लेके चलना है और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। थोड़ा नंबर बड़ा कर लेंगे, अगर उधेड़ नहीं पड़ेगी तो आसानी से उधेड़ लें। इस तरह से इस कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, चेन को सीधी रख के हल्के हाथ से कुंडे को नीचे की तरफ कर लेंगे। मिलाकर देख लेंगे, अभी हमारी सिलाई सही चल रही है। साइड कंप्लीट होगी, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही काट लेंगे। ये देखिए और दूसरी तरफ से ये जो छोटे छोटे दागे हैं इनको बिल्कुल साफ कर लेंगे, ऊपर की तरफ से लगाएंगे उसको। बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, तो बीच में मिला के देख लेंगे सही चल रही है हमारी सिलाई। यहाँ पर कहीं तय हो जाती है तो मशीन को आहिस्ता से चलाए, ये तो सुई टूट जाएगी।
ये भी सिलाई लग गई, सही कट कर लेंगे। अब इसको बंद कर कर देखेंगे, ये धागा कट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से लग गई है, बिल्कुल सॉफ्ट। ऊपर से थोड़ी थोड़ी सिलाई और ऊपर से दाढ़ी कही है, इसके साथ साथ एक सिलाई लगा देंगे जैसे पहले लगी हुई है, उसी से अटैच कर देंगे। और इस चेन को साइड में मोड़ देंगे इस तरह से। और इसको ऊपर से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इधर से कंप्लीट होगी, अब इधर से कर लेंगे इसी तरह से। तो बता दो देर का ताकि अच्छी तरह चढ़ जाए, ये सिलाई करने के लिए हमें उधेड़ने की जरूरत पड़ती है। अब ऊपर की तरफ से सिलाई और लगा लेंगे।
चेन लग गई, कंप्लीट हो गया।